हाय, हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज मैं रेडी हुई हूँ। फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं तो उसके लिए झटपट कैसे रेडी हो जाए, एक अच्छा सा लुक कैसे क्रिएट करें, तो लेट्स स्टार्ट। वी विल स्टार्ट मेकअप। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बैग लिया है, इसमें सारे प्रोडक्ट्स मैंने रखे हुए हैं। इस इतने सारे प्रोडक्ट्स में हम मेकअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने सनस्क्रीन लिया है। डे में मेकअप हम कर रहे हैं तो सनस्क्रीन हम लगाएंगे, अदरवाइज़ नाइट के मेकअप के लिए सनस्क्रीन स्किप किया तब भी चलेगा। फिर मैंने सनस्क्रीन के बाद हमें स्किन मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, आपका ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है, बट नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़रूरी है। और हल्का सा मॉइस्चराइज़र अगर हमने यूज़ किया ना तो हमारा जो भी मेकअप है वो बहुत अच्छे से सेट होता है। तो मॉइस्चराइज़र के बाद मैंने यहाँ पे प्राइमर यूज़ किया है। प्राइमर के जगह पे आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो, और एलोवेरा जेल एंड मॉइस्चराइज़र दोनों भी प्राइमर का ही काम करते हैं। यहाँ पे इनसाइड का प्राइमर मैंने यूज़ किया है। उसके बाद मेरे डार्क सर्कल्स आप देख सकते हो, काफ़ी डार्क है, तो उसको मैं थोड़ा कम करने के लिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी पूरे डार्क सर्कल्स चले जाएंगे, बट यस, जितने दिख रहे हैं उससे कम के लिए मैंने ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है, क्योंकि मेरे बहुत ही डार्क सर्कल्स है। अगर आपके थोड़े लाइट है तो आप येल्लो करेक्टर यूज़ करने वाले हो। यहाँ पे मैंने कंसीलर लिया है, मेरे शेड से एक शेड थोड़ा डार्क है यह कंसीलर, जो मेरा स्किन टोन है उससे, मतलब ये थोड़ा ऑरेंजिस कंसीलर है जो कि मेरा ऑरेंज करेक्टर के ऊपर सही से ब्लेंड हो जाएगा। एंड मैं सारे जो मेकअप है मेरे ब्रश के हेल्प से कर रही हूँ, बट आप जो है विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, नहीं तो स्पॉन्ज आता है उससे भी अच्छे से आप ब्लेंड कर सकते हो। तो ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। देखिए, हाथ से मैं करके दिखा रही हूँ कैसे ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक रेगुलर जो मेरे स्किन शेड से मिलता जुलता कंसीलर लिया है, जहाँ पे हमें डार्क सर्कल्स के लिए पहले कंसीलर यूज़ किया उसी जगह पे मैंने मेरे रेगुलर शेड का भी कंसीलर मैंने लगा लिया है। टोटली ऑप्शनल है, ये अवॉइड किया तब भी चलेगा, बट क्योंकि मुझे मेरा पूरा स्किन टोन सही लगना चाहिए, मेरा पूरा एक जैसा लगना चाहिए, इसलिए मैंने एक थोड़ा डार्क कलर का पहले कंसीलर यूज़ किया, उसके बाद मेरे ही स्किन शेड का कंसीलर यूज़ किया है। फिर इसको सेट करने के लिए मैंने लूज़ पाउडर यूज़ किया है, कोई भी चलेगा। अगर लूज़ पाउडर नहीं होगा ना, पॉन्ड्स का पाउडर होता है ना, वो भी लगा लिया ना तब भी चल जाएगा, बस ये सेट होना चाहिए, इसके पीछे ये मोटिव है। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे फेसेस कैनेडा का मेरे पास फाउंडेशन है, काफ़ी वेट लूस है, क्रीमी टेक्सचर है इसका, और ये स्किन में ईजीली ब्लेंड होता है। मैं जो है ना वाटर बेस्ड फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ, मैं क्रीम बेस यूज़ करती हूँ माय स्किन अकॉर्डिंग, क्योंकि ये स्किन में बहुत ही अच्छे से मेरे ब्लेंड होता है और बहुत ही एकदम ज़्यादा मेकअप लुक, मेकअप वाला लुक नहीं आता है। वाटर फाउंडेशन से है ना वो वाइटिश लुक आता है, इससे जो है ना स्किन में अच्छे से ये मर्ज हो जाता है और एकदम से वाइटिश लुक नहीं आता है और इवन टोन लगता है स्किन, इसीलिए क्रीम टेक्सचर का फाउंडेशन में प्रिफर करती हूँ। उसके बाद जो है मैंने आप यहाँ पे काउंटर यूज़ कर सकते हैं, काउंटर स्टिक्स आते हैं ना वो चलेगा। मैंने यहाँ पे जो है, मेरे पास काउंटर स्टिक नहीं था इसलिए मैंने ब्लू हेवन का जो है मेरा थोड़ा डार्कर शेड वाला कंसीलर यूज़ किया है। मैंने 3K, पहले देखिए वीडियो आप केयरफुली देखिएगा, 3K शेप में मैंने इसको किया है ताकि मेरे जो चिक्स है वो थोड़े कम लगे। और यहाँ पे देखिए नीचे भी मेरा डबल चेन है, उसको भी मैंने लगा लिया है। आप इसके जगह पे ना काउंटर स्टिक आता है, या फिर आप ब्राउन कलर का शेड, ब्राउन शेड लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा लाइट कलर हो वो शेड, तो वो भी यूज़ किया ना तो वो भी चल जाएगा। तो ये भी अच्छे से सेट करने के बाद फाउंडेशन ब्रश में क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इसी से मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करने वाली हूँ। कलर इसेंस का मेरे पास जो है, मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर ऑर्डर किया है, सारे अभी फ़िलहाल न्यू मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप जो रेगुलरली यूज़ करते हो ना प्रोडक्ट्स, वही यूज़ कीजिएगा, बस स्टेप्स जो है इस तरह फॉलो कीजिएगा, तो आपका जो मेकअप लुक है रेगुलर जैसा करते उससे कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छा आपको फील होगा अगर आपने ये स्टेप से मेकअप किया। तो कभी भी ईयर्स, नेक पोर्शन और आईज़ वगैरह सब जगह पे अच्छे से मैंने कॉम्पैक्ट लगा लिया है। एंड उसके बाद मैंने आई शेडो लिया है,
आई शेडो भी। अब देखिए यहाँ एक्चुअली वो साइड ना मिरर है मेरा, और मैं फ़ोन में, मेरे पास फ़ोन है, रिंग भी नहीं है, जो लाइट रिंग होता है ना वो भी नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा ये वीडियो क्लियर नहीं होगा। बट यस, आपको स्टेप्स समझना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप बिगनर्स हो तो आई शेडो जब हम यूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद ना आईब्रोज के नीचे है ना जो सिल्वर या फिर एकदम लाइटर शेड होता है ना वो यूज़ कीजिएगा, उससे जो है आईब्रोज काफ़ी उभर के दिखते हैं। इसके बाद मैंने मेरे आईब्रोज फिल कर लिए ब्राउन पेंसिल से, और अभी मैं इसको शेड मतलब शेप दे रही हूँ अच्छे से। तो ब्रश के हेल्प से कर सकते हो, तो नॉर्मली आईब्रो पेंसिल पे भी जो ब्रश आता है उस पे भी आप कर सकते हो। उसके बाद मैं जो है यहाँ पे मस्कारा यूज़ करूँगी। अब मस्कारा जो है ना वो सीधा डायरेक्टली निकालते ही यूज़ मत कीजिएगा, उससे जो है हमारा आई लैशेज जो है अच्छे से खुली खुली ओपन नहीं दिखती है, और मस्कारा है इधर उधर स्प्रेड हो जाता है, और अगर स्प्रेड भी हो गया तो तुरंत ही टिश्यू पेपर से क्लीन कीजिएगा। तो अगर 5 मिनट अगर वो थोड़ा ड्राई होने देंगे ना, उसके बाद मस्कारा यूज़ कीजिएगा, यूज़ करने में काफ़ी इजी जाता है। उसके बाद मैंने काजल पेंसिल यूज़ किया है, और मैं ब्लेंडिंग ब्रश ब्रश से जो है ना ये काजल मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो अभी मैं जो है ना मेरे पास ये मास्क का जो है ब्रॉन्ज ब्लश एंड हाइलाइटर है, तो पहले मैंने जो है साइड्स में ब्रॉन्ज मैंने यूज़ किया है, पाउडर है ये, ब्रॉन्जर मीन्स पाउडर फॉर्म में आता है ये, तो ये मैंने यूज़ किया है। अब जैसा मैं दिखा रही हूँ ना वीडियो में, आप वीडियो केयरफुली देखिएगा। तो मैंने नोज़ भी जो है नोज़ के साइड में भी कर लिया है। एक्चुअली मैं यहाँ पे जो है काउंटर भी करते हैं वो करना भूल गई, बट मैंने ब्रॉन्जर से कर लिया है, इससे भी नोज़ थोड़ा पतला लगता है। और देखिए नोज़ का जो शेप है ना, उससे मैंने जैसे उंगली दिखाई उसी पैटर्न में हमें पहले ब्रॉन्जर लगाना है, फिर उसके बाद ब्लश लगाना है। ब्लश बिल्कुल ही लाइट शेड में मैंने यूज़ किया, उससे जो है ना बहुत ही मेकअप उभर के नहीं दिखेगा बट बहुत ही प्रीटी लगेगा। फिर मैंने यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ किया है। हाइलाइटर जो है ना, जहाँ पे जो जो एरिया हमें हाइलाइट करने रहते, लाइक नोज़ नोज़ के सेंटर में, फिर आइज़ के साइड्स में, देन चिक्स के यहाँ पे, लिप्स के ऊपर, जहाँ जहाँ हमें हाइलाइट करना है जो कॉर्नर्स, वहाँ पे एक बार हमने हाइलाइटर अच्छे से कर लिया है। तो अब मैं वापस एक बार पूरे ब्रश से सारे मेकअप को अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद अब मैं जो है मेकअप को मुझे फिक्स करना है, उससे पहले मैं लिपस्टिक यूज़ कर लूँगी। तो लिपस्टिक आप लिप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली लिपस्टिक यूज़ किया है। अब मेरा मेकअप जो लुक है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ किया है। थोड़ी दूरी से हमें 2-3 बार स्प्रे करना है, 2 to 3 मिनट्स हमें वेट करना है, देख सकते हो आप। अभी जो है ना मेकअप पूरा अच्छे से एक साथ लग रहा है, अलग अलग नहीं लग रहा है, काफ़ी एक साथ ब्लेंड हो चुका है। एंड ये मेरा मेकअप लुक एक सिंपल ही, और देख सकते हो आप डार्क सर्कल्स भी बहुत ही कम लग रहे हैं, मेरा स्किन टोन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है।